दौलत की हवस ने अंधा कर दिया। शेखुपुरा के इलाका फैसलाबाद रोड चुंगी स्टाफ मोहल्ला मतीनपुरा के रहायशी शहजाद के वालिद मोहम्मद निशान ने जब अपनी प्रॉपर्टी सेल की तो शहजाद ने इस प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगा। हिस्सा मांगने पर बाप और दो बेटों के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़ा होने पर बाप ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर अपने ही लखते जिगर शहजाद को इसकी बीवी के सामने बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। आइए शहजाद की बीवी से बात करते हैं और इससे इस वाक्य की मुकम्मल तफसील जानते हैं। सका बाप और जो माँ है, बहने हैं, उनका खून सफेद हो गया, अपने ही बेटे को जो है वो जिबा कर दिया। क्या वजह बनी? वजह कोई इतनी खास नहीं थी है। उन्होंने पहले उसको कहा कि तुमने घर से कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे जो पैसे है ना, जो तुम्हारे बनते हैं वो हमने लेके रखे हुए और वो तुम्हें पैसे देने हैं। तो इसी तरह उनकी बहस चलती रही। उसने कहा कि मैंने इस मौजूदा रेट पे पैसे लेने हैं। तो इन्होंने कहा मौजूदा रेट, बल्कि हमने तुम्हें पैसे देने ही नहीं है, तुमने हमें पूछ के नहीं लगाए पैसे। पहले कहते हैं कि हम देंगे पैसे, तुम्हारे बनते हैं, तुम्हारा हक है। तो उसके बाद ये इन्होंने एक दफा एकदम ऐसे सारे इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पैसे बनते ही नहीं, हमने तुम्हें पैसे देने ही नहीं है, तुमने हमें पूछ के ही नहीं पैसे लगाए। उसने फिर अपनी वालदा को कहा कि मेरी वालदा सामने बैठी, इनसे पूछे, इसने मुझे कहा था कि बेटा पैसे लगा दो, एक दफा घर बनता बन जाएगा तुम्हारे, हम पैसे उतार देंगे, तुम एक दफा लगा दो। और माँ ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो कहा ही नहीं था। और उसने फिर कहा कि चलो मुझे पैसे नहीं देने, फिर मैं आप लोगों से पैसे ले लूंगा, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। इसी तरह वो गालियां देना शुरू हो गए हैं एक दूसरे को। तो उसका जो बाप है उसने उठ के तो अपने बेटे को पकड़ के गले से पकड़ लिया, और जो भाई शोएब है उसका, वो छुरियों से उसके सर पे वार करना शुरू हो गया, उसके सीने पे उन्होंने गोलियां मारी, आधा घंटा उसको तड़फाया। छुरियां मारी है, मतलब कहां से छुरी ली है उन्होंने? पहले उनका इरादा था, उसकी वालदा ने उसको ला के किचन से दी है कि ये लो ये छुरी पकड़ो, और उसकी बहन जो तंजील है उसके बाजू पकड़ कर खड़ी, उसको नीचे पहले चार पाई भी था फिर नीचे लटा लिए। उसकी बहन ने उसके बाजू पकड़ी रखे, कहती है अभी इसके अंदर जान है, मेरे कानों में उसके अल्फाज गूंजते हैं, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मेरे शोहर के साथ ज्यादती की है। उसकी बहन ने उसके हाथ पकड़े, कहती है अभी इसकी जान है, इसको और छुरियां मारो, ये बड़ी चीड़ी हड्डी है, इसको छोड़ना नहीं है। और इसकी मान के इन फेंक दे, इन छड़ना नहीं हैगा, सानू इन लाश नहीं चाहिए। पुलिस वालों कहती है इसको नाले में फेंक दो। और फिर भाई कहते कि इसको इसके हम भी इसके ऊपर इल्जाम लगा दे कि ये बहन की इज्जत खराब करने लगा था, इसलिए हमने इसको मार दिया। ये नया एक उन्होंने इंकशाफ किया है कि जो सगी बहन है वो अपने भाई पर ये इल्जाम लगा रही थी कि उसके साथ उसके नजायज ताल्लुक थे। इस कदम घटिया लोग हो जाते हैं कि चंद पैसों की हवस उनको इतना अंधा कर देती है कि वो अपने ही खून को जो है वो अपने हाथों से उसका गला घोंटते नहीं बल्कि ज़िबा करते हैं। पुलिस की जानब से जब ये सारा वाक़या हुआ है, जब मौके पुलिस आई है, तो तब इनके क्या हालात थे? मतलब ये साथ मिलकर उसको क्या उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, या पुलिस जब आई है तो ये भाग गए थे? नहीं, पुलिस जब आई, इन्होंने एक भाई को जो बड़ा उम्र है ना उसने उसको भगा दिया। शोएब को कहते शोएब तुम भाग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम इसको मारो, तुम घबराना ना, इसकी जान खत्म करनी है हमने, बस मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। और बाप को इन्होंने खुद इधर टांग पे छुरी मारी है कि तुम कहना कि ये मुझे पे हमला करने लगा था, और बाप को इन्होंने खुद ही छुरी मार के तो जख्मी कर दिया। मतलब बाप निशान जो है इनका, उन्होंने नया ड्रामा ये रचाया है कि इस पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि अपने बाप पर इसने हाथ उठाया, उसको जान से मारने की कोशिश की है, इसी दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ है तो नौबत यहाँ तक पहुँची है कि उसको कत्ल कर दिया है। कितने का मकान था ज्यादा से ज्यादा? 75 लाख का इन्होंने सेल किया है। 75 लाख का ये मकान था, और ये बता रही हैं कि 10 लाख रुपए इन्होंने, जो इनका खावन है, उसने इसकी जब तमीर इसको करवाया था तो तब ये लगाए थे, बस उसका यही मुतालबा था कि जो उसने लगाए हैं उसको वो दे दें। ये मकान उन्होंने सेल भी कर दिया था और 20 लाख रुपये इन्होंने एडवांस लेकर जो है वो खा पी भी लिए थे। उनकी माँ से बात करते हैं कि जब ये सारा मामला हुआ है, उनके सामने इनका घर है, तो इनको कौन बुलाने आया है? सुबह उसकी बीवी से मेरी बात हुई आज सुबह, वो कह रही थी कि ये मेरा खावंद है। मैं कहा आप ही आपका खावंद तो इसके घर था। कहती हाँ वो आया था इनके साथ, उन दोनों को, दादा को और चाचा को बुलाया था इन्होंने कि पैसे देने हैं शहजाद आपको, तो आप घर पे रहें, तुम्हारे दादा को चाचा जान को बुलाया है। तो जब वो बात झगड़ा हो गया ना, तो फिर वो चाचा कहता मैं छुड़ाता रहा हूँ, चाचू के हाथ पे भी छुरी इधर लगी, उसकी बीवी कहती मेरे खावंद के हाथ पे छुरी लगी है इधर, तो वो छुड़ाता रहा है। तो जब वो कहता मेरे बस की अब बात नहीं रही, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर भागूंगा, लोगों के दरवाजों को मैंने खटखटाया, लोगों को बुलाया, तो इन्होंने अंदर से फिर लॉक कर लिया दरवाज़ा, लॉक कर लिया। जब फिर उन्होंने बड़ा दरवाज़ा उस लड़के ने दरवाज़ा, लोगों ने भी खड़काया, नहीं इन्होंने खोला ही नहीं है दरवाज़ा। तो जब फिर इधर से ना मोहल्ले वालों से किधर फ़ोन किया किसी ने, इधर पुलिस वालों को, वो आए हैं ना, जब उन्होंने दरवाज़ा खुलवा आया, उस वक्त उसने उन्होंने बच्चे को ज़िबा कर दिया हुआ था। तो तब ये भागे नहीं मौके से, उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया? नहीं नहीं, वो बाप उधर ही बैठा हुआ था चारपाई पे, वो बड़ा बेटा भी था, छोटा बेटा बाहर निकल गया था, पता नहीं इन्होंने खुद भगाया, वो बाद में आ गया था पुलिस के पास, बाद में घर में खुद ही आ गया था वो।
तो बाकी घर वाले किधर गए हैं? अब उसकी बहन है, उनकी माँ, जिनका मेन रोल जो आप कह रहे हैं, उनका हाथ पकड़े थे, उनके बाजू पकड़े थे, उनकी बहनों ने, उनकी माँ ने छुरी ला कर दिया, और कितनी इतनी सख्त दिल माँ थी कि अपने बेटे को पास खड़ के जिबा करवाती रही है, तो क्या उसका ये अपना नहीं था? वो नहीं, उसका अपना बेटा था, बड़ा प्यार करता था वो अपनी माँ से। बेटा उसने तो उसके अपनी माँ की तस्वीर लगाई हुई थी, इतना घर में उसने पैसा उनके ऊपर निछावर करता था। उनके चाचू ने कल मुझे कहा कि ये वो बेटा है जिसकी माँ की पैंदों की तरफ पैसे रखता था, सरांदों की तरफ भी रखता था, और कपड़े ला ला के, जूते ला ला के देता था इनको। अभी उसने जूते कपड़े ला के दिए कि अम्मी जोन साहब को पसंद है वो ले लो। बाकी जो थे बच्चे उनके जिन्होंने मारा है, वो क्या करते थे? वो एक मिस्त्री में काम करता था, एक बड़ा पता नहीं वो किसी फैक्ट्री में जाता है। पुलिस की जानिब से कोई अभी तक पूछगिछ नहीं की आपसे किसी ने? नहीं, पुलिस की जानिब से कोई अभी पूछगिछ, सिर्फ हमने FIR जो दर्ज करवाई है ना, उसके बाद हमें किसी ने कुछ भी नहीं पूछा ना बुलाया है। बल्कि हम सुबह गए हैं दोबारा दरख्वास्त देने के लिए, तो उसके बारे में उन्होंने कहा 2 बजे के बाद अफसर आएंगे, तो फिर बात। दरख्वास्त क्या देनी है, मतलब FIR तो आपकी दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन जो उनकी औरतें घर में थी ना, वो बाहर निकल गई, और ये हमने उनको गिरफ्तार करवाना, वो पूरा मुलव्वस थी इसमें। वो दो पुरुष वाले अंदर मौजूद थे, बैठे हुए थे, पता नहीं आधा दिन बैठे हैं वो 12 बजे तक। उसके बाद उन्होंने ना पता नहीं वो क्या किया, पैसे लिए क्या किया, उन्होंने औरतों को निकाल दिया। हमारे मेरे सामने उन्होंने कहा था कि एक बड़े अफसर था आया, उसने कहा था कि आपने इधर बैठना, कहीं ये औरतें भाग ना जाएं। तो वो दो पुलिस वाले इधर अंदर मौजूद रहे थे, उसके बाद पता नहीं कैसे वो उन्होंने उनको निकाल दिया। पुलिस वाले खुद भी चले गए हैं, वो खुद अपना ताला लगा के फिर खुद भी चला। आपका कहना है कि वो पुलिस ने तब तक आपने दरखास्त दी थी अभी, या जो पहले आपकी FIR दर्ज हुई है इसमें सिर्फ 3 बंदे नामजद थे? हाँ, तीन बंदे थे। अभी वो ना बेटी मेरी उधर गई थी हॉस्पिटल में, वो अपने खामद के पोस्टमार्टम के लिए। ये क्या कहना है, ये भाई है जी इस बच्ची का, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आपने ये सारा वाकया देखा तो नहीं है, लेकिन मोहल्लेदार आपको बताते हैं, मौके पर हम जू थे, क्या सूरत हाल थी जब ये सारा मामला हुआ? सिस्टर मेरी ने उधर से कॉल की है कि वो शहजाद को उन्होंने मार दिया, तो वाले साहब ने आके हमें बताया, हम फौरन बाहर निकले हैं, बाहर से लोगों को भी दरवाजे खड़काए हैं, उसके साथ वो उनका चाचू था वो भी खड़का रहा था, हमने भी दरवाजा खड़काया, लेकिन हम दरवाजे से देख रहे थे उसे मार रहे थे, हमने जोर से दरवाजा खड़काया, उन्होंने कहा हमारे घर का मसला है, इशू है जी आप जाएं, तो दरवाजा खोले के बगैर सिर्फ अंदर से आवाज दी है। जब पुलिस आई है उन्होंने दरवाजा खटकाया तो जोर से खटकाया, जबरदस्ती पुलिस ने दरवाजा उनका खुलवाया, तो उन्होंने आगे से ये कहा जी हमारे घर का मसला है आप जाएं हम खुद कर लेंगे, तो पुलिस वाले ने कहा जी आप सब्र करें हमें अंदर तो जाने दें, हम देख लेते हैं आपके घर का मसला हुआ तो हम आ जाएंगे तो हम चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने पुलिस के साथ ही अंदर जाके देखा, अपनी सिस्टर के साथ भी अंदर थी और वालदा को भी साथ लेके गया, तो उन्होंने पहले तो हमें धक्के दिए, फिर भी हम ज़बरदस्ती पुलिस के सहारे चले गए, तो देखा तो वो जौन सा शहजाद भाई था उन्होंने जौन सा ना वो बेदर्द तरीके से ज़िबा किया गया। और मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा हैरान हूँ कि पूरे घर में से किसी एक बंदे को भी हमदर्दी नहीं आई। घर में बंदा होता है ना, अक्सर हर घर में कुछ छोटे मोटे मामला तो हो जाते हैं, कोई एक बंदा उसको कुछ छुरी लगाता है तो फौरन उसकी गैरत नहीं जागी या किसी की नहीं जागी कि हमसे ये गलती होगी, हम पकड़े हमने ये गलत कर लिया, बल्कि बड़ी तसल्ली से बेदर्द तरीके से उसके ऊपर वार किए गए हैं, सर के ऊपर, उसकी चेस्ट के ऊपर, ठीक है, उसकी शहादत वाली फिंगर के ऊपर वाले पोटे के ऊपर किए गए हैं। और देखें मेरी जो बहन है वो बेवा हो गई है और उसका जो बेटा है वो यतीम हो गया है, और आगे से हमें धमकियां देते हैं, जबकि हमने दरखास्त के अंदर भाईजान लिखवाया हुआ है कि 3 जोन से हैं उसके अफराद, 2 बेटे 1 बेटा और उनकी एक बेटी, एक बेटी का नाम है जिसका नाम है तंजीला, वो भी शामिल है, उसने ललकारा मारा है कि इसको छोड़ना नहीं है शहजाद को, इसको मार देना है माँ। हाँ जी, और माँ जो उनसी है ना वो दरखास्त का उसके उसके अंदर नाम नहीं है, लेकिन वो हेल्प करती नहीं है, दूसरी उसकी बहन भी। और जब हमने FIR दर्ज करवा दी थी, अंदर नाम भी उसकी बेटी का लिख दिया गया था कि ये भी साथ मुलव्वस हैं, और वैसे बताया गया था पुलिस वालों को कि उनकी जो उनसे ना मुकम्मल घर की फैमिली है, ठीक है, उन्होंने बाद में उसकी फैमिली को छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर बाद फैमिली आती है, अंदर से अपना कुछ सामान लेती है, ताला लगाती है चले जाती है, ताला लगाती है चले जाती है, फिर आती है, और अगर रात को आई है तो मेरी बाजी ने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, ये कौन सा सामान लेके जा रही हैं, मेरा अंदर कीमती सामान है। उन्होंने आगे से धमकी दी है कि तुम अपनी आवाज़ बंद कर लो, अगर तुमने अपनी आवाज़ बंद ना की तो हमारा अगर कुछ रहा या ना रहा हम तुम्हारा भी कख नहीं छोड़ेंगे। मेरी सिस्टर की अभी शादी जो उनसे है उन्हें 3 साल हुए हैं, तो जिसमें उसका 15 माह का एक बेटा है,
ठीक है, जो कि अब यतीम हो चुका है, तो अब वो रात को भी रोता है, आज रात को भी रो रहा था। हम उसे पकड़ते हैं, पकड़ के मैं उसे बाहर ले जाता हूँ कि वो बाबा बाबा कहता है, तो आने वाले वक्त में उसे क्या बताएंगे आपके बाबा के भाइयों ने उसके और उसके जो उनसे है ना बाप ने मिल के वालद ने जो उनसे उसको ज़िबा किया है। और मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी सिस्टर को इंसाफ मिला जाए, मैं इंसाफ लेने की हर हद तक कोशिश करूँगा, और मेरा इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत के बाद सिर्फ यही मकसद है, मैं हर हद तक जाऊंगा। मैं ये मत सोचें कि मैं बैठ जाऊंगा, खामोश हो जाऊंगा कि बस करूंगा, मैं हर हद तक आईजी पंजाब तक मेरी हर इंसाफ की जिनकी जिम्मेदारी है कि हमें दिलाएं, ठीक है, उनसे दरख्वास्त है, अपील है बड़ी इज्जत और बड़ी आजिजी के साथ कि वो हमें जो है ना वो मुकम्मल इंसाफ दें। मकान था एक बहुत सहारा, वो भी सेल कर दिया है, किस तरह गुजारा करेंगी, क्या करेंगे, बच्चे को किस तरह पालेंगे? मेरे खामद को बेकसूर इन्होंने कतल इन्होंने इतना बेदर्दी के साथ उसको आधा घंटा इन्होंने तड़फा तड़फा के मारा है, और अब मुझे इंसाफ चाहिए। नामी ये लड़का था, आज की कहानी में हमने आपको ये बताया है, 22 साल उसकी एज थी और एक उसका बेटा था 1.5 साल का। वालिद माँ बहनों और दो भाइयों ने मिलकर उसको बेदर्दी से ज़िबा किया है। पुलिस की जानब से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो फैमिली है उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उनके जो बकिया बचने वाले जो बहनें माँ और दीगर रिश्तेदार हैं उनको जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने ये केस की पैरवी की तो उसको भी जान से मार देंगे। पुलिस का ये हक बनता है कि इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाएँ और इनका साथ दें, और जो भी इस जो जुर्म में जो कत्ल में मुलव्वस हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, और जितने भी गिरफ़्तार मुलजमान हैं उनको के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कल कोई और बच्चा जो है अपने माँ बाप के या बहनों के हाथों कत्ल ना हो सके।